आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। तीर्थ पुरोहित पर लगा छेड़खानी का आरोप। विद्यांचल के तीर्थ पुरोहित पर लगा छेड़खानी का आरोप। अलीगढ़ से माता का दर्शन आए राकेश शर्मा को तीर्थ पुरोहित राजमिश पंडा पर अपनी बहू को गलत निगाह और उसके साथ की हरकत करने का आरोप लगाया। राजमिश समाजवादी पार्टी के नेता भी और अखिलेश यादव के करीबी भी। मैं अपने परिवार के साथ माँ विध्वांसिनी का दर्शन करने के लिए पहुंचा। यहाँ के जो प्रतिष्ठित तीर्थ पुरोहित राजमिश्रा है, पहले से हमारी जान पहचान उनसे थी। मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पास उनके गेस्ट हाउस में गया। राजमिश्रा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी का पूजा करा दूं। पूजा कराने के नाम पर अलग कमरे में ले गया, पूजा करा। उसके बाद मेरी पुत्र वधु को कमरे में ले गया, पूजा कराने के लिए अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। इसके बाद मेरी पुत्र वधु अंदर से शोरगुल की और जब हमने जाकर दरवाजा खुलवाया तो मेरी पुत्र वधु जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा इसने मेरे साथ गलत हरकतों की सूचना दी। मैंने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। मैं योगी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे तीर्थ पुरोहित पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बता दें कि राज्य में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी हैं। अखिलेश यादव के पूरे परिवार को राजमिश्र दर्शन करवाते थे। क्या क्या नाम है? राकेश शर्मा। कहाँ से आप आए हैं? हम अलीगढ़ से आए। क्या घटना आपके साथ घटी? हम पत्नी बेटा पुत्र वधु के साथ दर्शन करने आए। हमने तीनों देवियों के दर्शन किए। राजमिश्रा चूंकि पहले एक बार दर्शन करने आए थे, मुलाकात हो गई थी, परिचित थे, तो इन्होंने वो थे नहीं उस समय। वहीं हमने सामान रखा, राजमिश्रा आ गए तो बोले भाई साहब बढ़िया है, दर्शन किए। मैंने हाँ हो गए तो मैं पूजा कराऊंगा भाभी जी की, मैंने करा दी। बोले यहाँ हल्ला गुल्ला है, यहाँ बराबर में कमरे में करा दूँ, तो मैंने करा दूँ। कमरे में ले गए तो वाइफ को दो मिनट में उन्होंने निकाल दिया। फिर बोले बहू की करा दूँ, तो मैंने इतना सिंपैथी दे रहा है तो मैंने करा दे भैया बहू की सिंपैथी, तो बहू को ले गया। इतनी देर में बहू को एक मिनट में इसने लॉक लगाया, बहुत चीखी, पापा खोलो तो हमने क्या बात है, ये छेड़ रहा है मुझे। और यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो मंदिर में बैठे हो, मंदिर के पुजारी हो, छेड़ रहे हो भाई। मैंने क्या आगे चार जो जो चीजें नहीं छूनी चाहिए जी हाथ लगाई। हम तुरंत सामान लेकर बाहर आ गए, 112 पे कॉल किया हमने, तो पुलिस आ गई है, पुलिस यहाँ ले आई। हमारी रात को ट्रेन है यहाँ से। क्या क्या आप चाहते हैं? नहीं खिलाफ कर दिया, कार्रवाई हो, जेल जाए वो, गुनेगार है भाई। क्या नाम है बहू का? बहू का रूबी शर्मा, पत्नी आदेश शर्मा। ठीक यहाँ यहाँ क्या बात हुई थाने पे? इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, ले आए हमें, अभी अपना पूछ रहे हैं हमसे, पूछा सची कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिए इंस्पेक्टर साहब? वो पूछा सची कर रहे हैं हमसे, बयान ले रहे हैं, कार्रवाई बुक करेंगे, बोले मालूम है हमें, क्या मालूम है जी, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। पीड़ित आदमी, बाहर के आदमी है, हमारी ट्रेन भी है, आज रात को निकलना भी है इसे। ठीक है, तो अब कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं सर, और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठिन से कठोर कार्रवाई हो। तो अब यहाँ तो सक्षम अधिकारी भी हैं, एसपी हैं, अब ये करेंगे तो हमारा तो टाइम भैया जाना भी है, और हम चाहेंगे चूंकि ये प्रभावशाली बता रहे हैं लोग, बहुत प्रभावशाली है, सपा का नेता है, तो ये कार्रवाई भी हम चाहते हैं, अलीगढ़ ट्रांसफर हो, चूंकि यहाँ तो हमें विश्वास नहीं है न्याय का जी, यहाँ का चक्कर लगाएंगे दूर आके जी, कोर्ट कचहरी हम कैसे आएंगे सर? हमारा तो माननीय योगी जी से भी संबंध है, वो तो महिला पीड़ितों को न्याय दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बता रहे हैं लोग इसका अवैध बना रखा है इसने गेस्ट हाउस, उस पर भी बुलडोजर चला रहे हैं। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।